और एक बड़ी खबर से आपको रूबरू करा देते हैं। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2022 जो है वो उसकी शुरुआत होने वाली है, कल से शुरू हो रही है मैट्रिक की परीक्षा। 24 फरवरी तक चलने वाली है ये मैट्रिक की परीक्षा, यानी कि बिहार बोर्ड की परीक्षा की तैयारी जिस तरीके से छात्र कर रहे थे, अब उनके लिए वो वक्त आ गया है जब उनकी परीक्षा होगी। और आपको बता दूं कि इस संबंध में मंगलवार को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने जानकारी देते हुए बताया कि मैट्रिक परीक्षा में इस बार 16,48,894 परीक्षार्थी जो होंगे वो शामिल होंगे, जिसमें लगभग 8,06,705 छात्राएं हैं, जबकि 8,42,179 छात्र शामिल हो रहे हैं। तो बिहार में मैट्रिक परीक्षा का आयोजन प्रदेश के 1,525 परीक्षा केंद्रों पर 2 पालियों में किया जाएगा और इसके लिए बजाबते तैयारी पूरी कर ली गई है। इंटर की परीक्षा सफलतापूर्वक समापन के बाद अब मैट्रिक की परीक्षा की शुरुआत हो रही है और इसके लेकर के सरकार और साथ ही साथ जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उन्होंने तैयारी पूरी कर ली है और कदाचार मुक्त परीक्षा कराने का आश्वासन भी दिया है। और इस परीक्षा को लेकर के क्या कुछ तैयारी है, खासा जानकारी के लिए सीधे चलते हैं न्यूज रूम, जहां पर हमारे सहयोगी पूजा लाइव है, उनसे समझने की कोशिश करते हैं। पूजा, कल से मैट्रिक की परीक्षा, तैयारी कितनी दुरुस्त है? बिल्कुल निर्भय, आपको बता दें कि देखिए बीएससीबी यानी कि बिहार बोर्ड के 10वीं की परीक्षा जो है वो शुरू हो रही है और ऐसे में तैयारियां प्रशासन की तरफ से पूरी तरीके से हम कह सकते हैं कि उसकी बंदोबस्त की गई है। बिल्कुल, आपको ये भी बता दें कि कोरोना काल में निर्भय परीक्षा हो रही है, हालांकि कोरोना की स्थिति अब बेहतर हो रही है धीरे धीरे, लेकिन संकट अभी भी है और लोगों से ये लगातार कहा जा रहा है कि आप तमाम गाइडलाइंस का पालन करें। इसी तरह जो विद्यार्थी हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो एग्जाम सेंटर पर परीक्षा देने के लिए पहुंचेंगे, उन्हें ये इस बात का खास ख्याल रखना है कि उनके चेहरे पर मास्क होना चाहिए और उनके पास सैनिटाइजर होना चाहिए। साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आपको बता दें कि देखिए जो परीक्षा केंद्र हैं वहां पर भी अलग से व्यवस्थाएं की गई हैं निर्भय, वहां भी जो परीक्षार्थी जाएंगे उन्हें अगर मास्क की सुविधा उपलब्ध करानी हो या सैनिटाइजर हो, तमाम व्यवस्था की होंगी। ये तो पहले से ही पता है कि एग्जामिनेशन सेंटर पर जाने के लिए कोई भी इलेक्ट्रिक उपकरण जो है वो आपके पास नहीं होने चाहिए। बिल्कुल, सबसे अहम बात ये आपको बता दें निर्भय कि एडमिट कार्ड जारी कर दी गई है और 16 फरवरी तक ये एडमिट कार्ड वेबसाइट पर उपलब्ध रहेंगी और इन्हीं के जरिए जो स्टूडेंट्स हैं वो अपना एडमिट कार्ड भी वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए स्थिति और परेशानी थोड़ी इस बात को लेकर विद्यार्थियों में बनी हुई है निर्भय कि कोरोना काल के मद्देनजर ये परीक्षा हो रही है, कॉलेजेस और स्कूल्स बंद थे और ऐसे में बच्चों की शिक्षा बेहद प्रभावित हुई है और जो बच्चे बिल्कुल पूजा जिस तरीके से इंटर की परीक्षा में बच्चों ने या जो छात्र थे उन लोगों ने जो आरोप लगाए थे कि तैयारी उनकी पूरी नहीं हो पाई है और अब उसका असर इस बार भी देखने को मिल सकता है। बिल्कुल देखने को मिल सकता है। देखिए निर्भय, लगातार जो छात्र है एक ही शिकायत कर रहे हैं, उनका कहना है कि परीक्षा जो हो रही है उनमें कोई उनको छूट नहीं दी गई है और ऐसे में जब स्कूल्स बंद थे, पढ़ाई में मुश्किलें हुई हैं। देखिए ऑनलाइन क्लासेस जरूर होती हैं लेकिन ऑनलाइन क्लासेस से बच्चे बिल्कुल कुल मिलाकर के कहें तो ऑनलाइन क्लासेस तो हुई हैं लेकिन तैयारी पूरी नहीं हो पाई है और नतीजा इसका इस बार भी देखने को मिल सकता है, छात्र आरोप लगा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पूजा इन तमाम जानकारियों के लिए। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी पूजा ने जो जानकारी दी, आपको बता दूं कि मैट्रिक परीक्षा लेकर के लगातार तैयारियां चल रही थी और इन तैयारियों के बीच में अब स्थितियां साफ हो चुकी है, कल से परीक्षा है और इस परीक्षा को लेकर के छात्र भी तैयार है और प्रशासन ने भी तैयारी पूरी